अपनी बहनों और कासर जी यूपी के बहनों को सादर अभिनंदन है। और बड़ा दुख हुआ, इतने दिन से ये हलचल चल रही थी कि आंगनबाड़ी के लिए शायद इस बजट में कुछ होगा। और जब सुबह भी हमने मैसेज पढ़ा था कि आंगनबाड़ी के लिए कुछ होगा, लेकिन जब हम सो के उठे, जब हम मैसेज पढ़े कि आंगनबाड़ी के लिए, तो वही हमेशा की तरह है, जीरो बेटा सुनाता है। क्या होगा आंगनबाड़ी का, आपने कभी सोचा है? आप लोग क्या सोचते हैं? हम भी आप बहन हैं, आप ही की बहन हैं। मुझे लगता है कि एक बार आप लोग एक बार सोचिए ना ध्यान से कि हम आज के 75 साल बाद भी हम कहाँ रुके हैं। मतलब 75 साल पहले हमको 200 रुपया मिला था, हम मतलब एक चीज की कमी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं किया हमने। अब हम संगठन को भी नहीं तोड़ देंगे दोस्तों, सारा हमारा और आपका है, मेरा भी है और आपका भी है। आपका इसलिए है कि आप संगठनों के चक्कर में फंस गए, कोई किसी संगठन से, कोई किसी हजार संगठन है तो उसमें पहले चाहता कि आंगनबाड़ी डिवाइड हुई है। आंगनबाड़ी ये नहीं सोचती है कि संगठन चाहे जिसका होगा भला तो मेरा होगा। हम जिस भी संगठन में जाए, जहाँ दिखाना हो अपनी भीड़ को, अपनी ताकत दिखाएं। आज मुझे बड़ा तकलीफ हुआ बजट को देख के कि बीजेपी सरकार तो आंगनबाड़ी विरोधी है और उसको ज्यादा विरोधी बनाने में हमारे संगठनों का और संगठन के लीडरों का योगदान भी रहा है। और ये कब तक चलेगा आप खुद सोचिए। आप लोग जितना काम करती हैं, मतलब हम हैं, आप हैं, जितना काम हम लोग करते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज पड़ा था कि आंगनबाड़ी के इतने काम थे, मतलब 30-40 लाइन से लिखा हुआ था कि इतने काम है। आप यकीन मानिए, अगर जो आंगनबाड़ी को छोड़ के किसी थर्ड पर्सन को पढ़ा दीजिए तो उसको चक्कर आ जाएगा। आप लोग किस मिट्टी की बनी हो कि आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। विभाग हमारा सोचा अलग करता है। सभी बहनों से, चूंकि यूपी की बहनों से, हालांकि भारत के में देखा जाए तो सभी का मानदेय कुछ तो है, कई राज्यों में तो बहुत ही अच्छा मानदेय है, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति है यूपी में। और सबसे ज़्यादा वर्कलोड, सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी, मतलब कि आशा बहू ये नाम सबका काम आंगनबाड़ी करे। कितनी अजीब विडंबना है कि आंगनबाड़ी ही सबका काम करे और आंगनबाड़ी की बात एकदम न सुनी जाए। इसको ध्यान रखिए कि हमारी आपकी कमी है। आप लोग हम वीडियो जब बनाते हैं तो आप लोग इतना भी नहीं करते कि उसको शेयर करें ताकि कहीं से भी सरकार तक हमारी बात पहुंचे कि 6,000 रुपये में गुजारा कैसे होता है। कोई भी बता दे कि 6,000 रुपये में गुजारा होगा किसी का? कैसे आप चलाती हैं, कैसे हम चलाते हैं, इसको या तो आप समझें या तो हम समझें। न संगठन समझ में आए, न सरकार समझेगी। संगठनवाद से ऊपर आइए। और एक बात, अब ये देखिए कि हम आपको रो के नहीं बता पाएंगे जितनी तकलीफ है अंदर, हम उसको रो के बयान नहीं कर पाएंगे कि कितनी तकलीफ है। कि हमारी बहने बस इतना समझ लें कि एक बार हमसे भी, एक बार लखनऊ में हमारी संख्या 4.25 लाख है, अगर जो हम 50,000 या 1 लाख अगर जो जागरूक हो जाए तो 1 लाख हमारी संख्या तो बहुत है। हमारा मानदेय बढ़ाने के लिए, हमारी हर बातों को मानने के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा मानदेय तो बढ़ ही जाएगा। और जिस दिन मानदेय हमारा हो जाएगा, वेतन में तब्दील होगा, उस दिन हमारा उत्पीड़न भी बंद होगा। लेकिन आप लोग समझती नहीं, कैसे हम आपको समझाएं, कैसे आप लोग समझेंगे जब आप लोग इतना करती हैं कि वीडियो शेयर कर देंगे कहीं इनका प्रचार ना हो जाए। हम प्रचार के लिए करते ही नहीं, हमको कोई जाने या ना जाने हमारी और बहने जो हैं उनका मानदेय वेतन में कन्वर्ट हो जाए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हम खुद छोड़ देंगे। हमको कोई वो नहीं है कि हम वीडियो बनाए अपना प्रचार करें। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि अभी आप मेरा इतना सहयोग करिए कि वीडियो को शेयर करिए कहीं ना कहीं से। आप लोग फेसबुक के माध्यम से कुछ नहीं कर सकती, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करिए। आप लोग छोटे छोटे रील बनाइए, अपने कामों को दिखाइए, ये बताइए कि आप कितना काम करती हैं इतने कम मानदेय में। आप लोगों से कुछ नहीं होता है, आप लोग मतलब मेरा भी देखते हैं। आप लोग तो शेयर करना तो दूर, आप लोग ये भी नहीं कहते कि कमेंट नहीं करें कि सही है कि गलत है, कि ताकि कमेंट करने से भी बातें आगे बढ़ती हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते। बड़ी मतलब दयनीय स्थिति है हमारी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर जो हर आंगनबाड़ी सिर्फ एक दिन बैठ के सिर्फ अपने लिए मंथन करें कि हम जब से आंगनबाड़ी ज्वाइन किए और जितना हम काम किए, जितना हम टाइम विभाग को दिए, उसका मेहनताना जो हमको मानदेय मिलता है, तो क्या वो हमको उचित मिलता है? कसम से बताते हैं, खुद महंगाई लगे तो आप लोग कहिए। लेकिन पता नहीं आप लोग का ध्यान कहाँ रहता है कि आप लोग अभी इतने सपोर्ट में नहीं है कि हम शेयर करें। हम बना नहीं सकते रील तो हम शेयर करें। अगर जो हर आंगनबाड़ी केंद्र से एक स्पीड पोस्ट हर महीने पहुँचे, हम कहते हैं अगर जो 1 लाख अभी पोस्ट ऑफिस में हमारी आंगनबाड़ी बहने पोस्ट करें अपने इकट्ठा लिख के भारत सरकार को, यूपी सरकार को, तो यकीन मानिए पोस्ट ऑफिस और सरकार सब निहाल हो जाएंगे, सब बेहाल होंगे कि कैसे आपका वो किया जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे स्पीड पोस्ट करने से, हमारे जो है ट्विटर पे लिखने से, फेसबुक पे लिखने से, शेयर करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए खलबली तो होगी। आप लोग कब समझेंगे इस बात को कि हमें अपने काम का मुआवजा मिलेगा? क्या बताएं, बहुत मन दुखी है, बहुत ही दुखी है कि आंगनबाड़ी मतलब हर ओर से जो भी विभाग आता है आंगनबाड़ी को काम पकड़ा देता है। आंगनबाड़ी भी मतलब इतनी जागरूक है कि
कोई भी काम आए वो बिना विरोध के बिना कोई सवाल किए काम अपना उठा लेते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि आपने अभी जो आया है मात्र बंधन योजना, आप लोगों ने पकड़ लिया। जैसे आया कि मतलब केंद्र पर से लोकेशन ना हो जो सेल्फी भेजना, आप लोगों ने कर लिया, लेकिन उसका नुकसान हमको क्या मिला ये आप लोग कभी नहीं सोच पाएंगे कि सेल्फी भेजने से आप बच्चों की फोटो भेजिए, बिल्कुल भेजिए, आप अपना जो जितना मोबाइल का वर्क है पोस्टर टाइगर का आप सब कुछ करिए, लेकिन ये छोड़ दीजिए कि मतलब सोचिए 6,000 रुपये में हमको ये दिया जा रहा है कि हाँ कहीं है तो नहीं। दुनिया में सबको छुट्टी मिलती है लेकिन आंगनबाड़ी को नहीं। अगर जो आंगनबाड़ी को छुट्टी मिलती है तो सुपरवाइजर CDPO उसका दुगुना तिगुना पैसा लेके तब छोड़ती हैं, वो भी अगर जो कहीं आप फंस गए तो तुरंत वो लोग पल्ला झाड़ लेंगे। हम कहते हैं हमको आंगन की योजना मिली थी, आंगनबाड़ी ही नाम दिया गया था क्योंकि हमको काम करना था सिर्फ अपने आंगन में रहकर, लेकिन आज तो हम भैया कितना काम करते हैं, BLO ड्यूटी आया, हालांकि देखिए कोर्ट ने मना कर दिया, उसके बाद भी आंगनबाड़ी करती है। हो सकता है कि उस आंगनबाड़ी काफी क्लियर कर रही हूँ, लेकिन बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी है कि जो मजबूरी में BLO ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग जब खुद नहीं समझना चाहती हैं तो कोई ऐसा भी चमत्कार नहीं होगा कि जो आंगनबाड़ी के दिन बदलेंगे। आप लोग मेरे ही वीडियो को आप लोग जब तक शेयर करने से आप लोग इतनी तकलीफ होती है कि शेयर कर देंगे तो इनका प्रचार ना हो जाए, हम आप ही की बना है, आप सबकी बना है। अगर जो मान लीजिए शेयर करेंगे तो आप इस समय वही सोचिए ना कि हम शेयर कर दें, जो होगा देखा जाएगा। इतना ही सोच के आप कर दें कि शेयर करने में एक तरीका है, आप लोग वो भी नहीं करेंगे ये ना कि हम शेयर कर दें, जो होगा देखा जाएगा। इतना ही सोच के आप कर दें कि शेयर करने में एक तरीका है, आप लोग वो भी नहीं करेंगे। इतनी अजीब विडम्बना है, मतलब ये अब हम उतना बोल नहीं पाएंगे जितना हमने फील किया है आंगनबाड़ी के लिए कि कितने दुर्दिन हैं आंगनबाड़ी के, कि 6,000 रुपये के लिए 6,000 रुपये का अगर जो कायदे से देखा जाए तो वो तो 4,000 भी 3,000 भी नहीं पा रही है। अगर जो उसके कामों को छोड़ के इतने सारे कागज हैं, इतने सारे रजिस्टर हैं कि आप रजिस्टर बनाइए, कागज जमा करिए, हमें लगता है कि आपके पास जो बचेगा वो 3,000 होगा, 3,000 तो आप निकाल लीजिए, कागज रजिस्टर और आना जाना पुराने ठिकाने जो भी होता है उन सब निकाल लीजिए। तो आप सिर्फ 3,000 रुपये के लिए 24 घंटा सटी होती है, आप कब समझ के समझेंगे, आप कब विरोध करेंगे? कम से कम इतना विरोध करिए कि हम इसको शेयर करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे, नहीं तो विश्वास करिए कि आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी आंगनबाड़ी परिवार की, तो अब जो भी आएगी वो तो बहुत मजबूरी में, और जो बहुत निसहाय होगी वही आंगनबाड़ी में भर्ती होगी, तो निसहाय होगी लेकिन वो शिक्षित होगी, ये तय है। इसलिए कि आज हर कोई हर व्यक्ति हर महिला पढ़ी लिखी है, आंगनबाड़ी जब 10वीं के मार्कशीट लगा के ज्वाइनिंग लेटर लिखी और जो है पूरा लेखपाल का और पूरा सबका काम वो कटा रही हैं, तो आज की शिक्षित महिला आवाज़ उठाएगी, तो जब आवाज़ उठाएगी तो उसमें ये बात जरूर कहेगी कि हमसे पहले जो आंगनबाड़ी थी वो बैल थी, अगर जो आंगनबाड़ी थोड़ी सी भी जागरूक रही होती, शिक्षित रही होती, तो शायद हमारा तरीका हमारा समय कुछ और होता। कब आंगनबाड़ी कब समझेंगी, मुझे बस ये नहीं समझ में आता है। एक बात समझना, एक बात, कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। ट्विटर जैसे आप लोग पोस्टर टाइगर का काम करती हैं वैसे ट्विटर अपलोड कर लीजिए, आप जो है टेलीग्राम जो है अपलोड कर लीजिए, आप लिखिए बोलिए, अगर जो हो सकता है आप छोटे छोटे रील बनाइए कि आपको काम करने के दौरान जो भी परेशानी आ रही है आप उसको रील बनाइए, वो भी नहीं कर सकती तो हफ्ते में एक ही लेटर, जैसे इतना सारा पैसा विभाग के पीछे फूक देती हैं रिपोर्ट और रिकॉर्ड देने में, वैसे हमें लगता है कि 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये जो भी पड़े कि एक आप स्पीड पोस्ट, लेकिन ये ऐसे नहीं कि 10 लोग करें, कम से कम 1,000 आंगनबाड़ी 1,00,000 आंगनबाड़ी अगर जो रोज करें एक रूटीन के हिसाब से करें कि 10,000 आंगनबाड़ी आज के डेट में इतना स्पीड पोस्ट करेंगी, आप लोग तो उतना समझ ही नहीं पा रही हैं जितना हमने सोच लिया है कि क्या होगा परिवर्तन, उसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर तो आपको ये वीडियो ही शेयर करिए, चलिए आप कुछ मत करिए, आप ये वीडियो ही शेयर करिए तभी हमारी बात हर जगह फैलेगी। अपक्ष नहीं है, मान लीजिए BJP की गवर्नमेंट है हमारी बात नहीं उठा रही है कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष भी हमको तगड़े मिलेगा, हमको हल्के में दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमें एकता नहीं है, हमको संगठन में भी लूटा है और सरकार में भी लूटा है, और छली कौन नहीं जो एकदम निसहाय है। सोचिए बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी भी है जिनका जीविका यही है, सबसे ज़्यादा काम भी वो करेंगे, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न भी उनका होगा, वो जो है काम भी करें उत्पीड़न भी हो पैसा भी दे, लेकिन उनसे बोलेंगी नहीं, इतनी बड़ी विडम्बना है हमारे में, अखंडता नहीं है। शिक्षा भी उनको देखिए, उनकी एकता नहीं है जो सरकार को ना विचार कर रही है मानदेय बढ़ाने पर, जबकि उनका 10,000 है, ये हमारी अनेकता है, आंगनबाड़ी की अनेकता है, अशिक्षा है, जागरूक ना होना है कि हम 6,000 की मजदूरी पे अपना पूरा खून पसीना पूरा अपना जीवन लगा देते हैं, सरकार जब रिटायर करती है कुछ नहीं देती है आपको, तो बड़े मतलब जैसे होता नहीं है कि अगर जब बच्चा पैदा हो गया है इसको छुट्टा छोड़ दो, तो ऐसे आंगनबाड़ी के साथ होता है, आंगनबाड़ी अब काम करने में सच्चा नहीं है इसको भाटा, आपकी हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, अरिजेंसी ठीक है आप और हम कब समझेंगे, आप लोग खुद तो समझिए, कभी तो देखिए उनके, कभी तो एक दिन एक घंटा सिर्फ अपने लिए मंथन करिए, मेरा भी
शेयर करना बंद कर दीजिए। अगर जो कहीं से भी आपको लगता है कि नहीं सही है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। कुछ नहीं कर सकते तो आप लोग शेयर करिए। शेयर करने से भी परिणाम बदलेगा। हर कूचे में, हर गली में मोबाइल है, हर कूचे हर गली में। अगर जो विपक्ष भी हमारी अनेकता के एकता में देख लेगा तब भी हमारी बात बन जाएगी। लेकिन कुछ तो करिए आप लोग, कैसे निवेदन करें आप लोग। अगर जो यूपी की आंगनबाड़ी एकजुट हो जाए तो हम बारी बारी से सबका पैर छू लें कि कभी तो जागो, अपने हक की बात सोचो, अपने लिए सोचो। फिलहाल इतना ही। आज के बजट में आंगनबाड़ी को जो झुंझुना दिया गया है, तमाम संगठनों ने कहा था कि जो है मानते इस बार होगा कुछ, उन सबको धक्का बोल दिया। ये हर आंगनबाड़ी के मुँह पर तमाचा है बजट। अभी आप अगर जो नहीं जागे तो अब कोई चमत्कार नहीं होगा। बाकी आप फिर मिलेंगे। धन्यवाद।